ये गेम बहुत मजेदार है और मेरे को वो चीज बहुत सुपर नजर आ रही है। इनको नजदीक से देखने का बड़ा मन कर रहा है। क्या हुआ अचानक? कहाँ गायब होगे? पीछे लो जल्दी। वो देखो वहां। कम ऑन, आगे बढ़ो हाँ। हमें तुरंत किनारे पहुंचना होगा। चलो जल्दी चलो। ऑलराइट सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरा अनुमान सही है तो हॉरिजॉन और प्रत्येक रूप से यानी सूर्य और ग्रह के बीच की जो दूरी है वो इसके द्वारा हम हर हालत में पता लगा सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि आप लोग ग्रुप के हिसाब से आए हो इसलिए एक एक करके देखो। जरा दो मुझे पॉल, इसे अकेले ही यूज करना चाहिए या दो जने यूज कर सकते हैं? क्योंकि तुम दो जने हो ना, तो ये मर्दों का खेल है। क्या बात कही? डोंट वरी डूड, वो हमेशा ऐसे ही करता है, बातें ज्यादा करता है और काम कम। थैंक्स, ठीक कहा तुमने। सुनो, इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा? अरे इतना भी नहीं जानते? जाके जरा दिमाग लगाओ। मुझे लेकर तो आ गई, पर इसे इस्तेमाल करने आता है क्या? इसको देखिए, मैं आपको इस रूप में चाहता हूँ। बहुत अच्छा है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? हेलो, कोई हमारी मदद करेगा क्या? हाँ। असाइनमेंट चल रही है, ग्रेड मिलता है, उसका ख्याल रखो। रिलैक्स लिल से, हर चीज ग्रेड के लिए नहीं होती है, पहले तुम इसे सीखो। सुनो किर्क, तुम ऐसे रहोगे तो कॉन्टेस्ट करना इम्पॉसिबल है, दिमाग जरा काम में लगाओ।
नथिंग इम्पॉसिबल सर। इस ट्रिप में 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है ना? ये कोई समस्या नहीं है, पर इतने लोगों को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो सब कॉलेज स्टूडेंट्स है, उस उम्र में सभी मस्ती करते हैं। तुम ठीक ही कह रही हो। सोलोमन आइलैंड कब तक पहुँचेंगे? अगर कोई समस्या नहीं आती तो कल तक पहुँच जाते। तुम तो कैप्टन को जानती हो, उसने वैसे ही स्केड्यूल को डिले कर दिया, इसलिए लगता नहीं कि हम कल तक पहुँचेंगे। हाँ, इस डिले का कारण कैप्टन ही तो है। हाँ, इस डिले से अच्छा होगा या बुरा आगे आगे ही पता चलेगा। घूम के लेट जाते हैं। हाँ ठीक है। ए, 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 बेवको, यहाँ ये सब नहीं पीना चाहिए, चलो हटो। ओके। मोरे, ये यहाँ नहीं पीना चाहिए। ये सब्जेक्ट मैंने क्यों लिया समझ में नहीं आ रहा। सेमिस्टर के नाम पे यहाँ पे अच्छा टाइम पास हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी, पर यहाँ पे कोई अच्छा बंदा ही नहीं नजर आ रहा, और इससे पता नहीं कैसे इस्तेमाल करूँ। मैं हूँ ना, घबराते क्यों हो, मैं सब संभाल लूंगी। हमारे पास GPS जो है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। ओह, ये क्या न्यूसेंस है कॉल। अब हमारा तुम्हारे साथ कोई काम नहीं। कॉल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना, यहाँ भूल से भी सेलफोन का इस्तेमाल मत करना। सॉरी प्रोफेसर, मैं सोचा काम में आएगा इसलिए लेके आ गया। ओह नो। ओह, ये बेकार की चीजें पता नहीं क्यों पीते हैं। मेरे डोलों को देखा है, इसे पीने से ही होता है। मेरे बॉडी की शेप को देखो, तब जाके तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा। हाँ हाँ, उल्टे सीधे जैसे नजर आ रहा है, और ऊपर से एक्सपोज भी ज्यादा कर रहे हो। मेरी इज्जत का फलूदा कर दिया इसने। ये आवाज कैसी, क्या हुआ होगा? क्या है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखने में अजीब है। वैसे वो क्या हो सकता है? ये कुछ शार्क जैसा ही लग रहा है। कहानियां मत बनाओ। इतनी आसानी से मत लो कॉल। इसको 17वीं शताब्दी में पाया गया था, करीब 50 के आसपास हो सकते हैं। कितने बोल रहे हो? 50 तक होंगे। ये गहराई तक जाते हैं और पानी के अंदर ही अंदर डुबकी लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे पहुँच गया? उनको कोई डिस्टर्बेंस हुई होगी या फिर समुद्र में हलचल मच गई होगी। शायद उनके ऊपर अटैक हुआ होगा। एक मिनट। सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए? आप क्या कर रहे हो? अनेक कोई नई किस्म की मछली फंस गई है, उसको नजदीक से देखना है। ओ, ये तो कोई बहुत बड़ी मछली लगती है। उसे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे लगता कि ये प्रोपेलर में फंस गया है। अब क्या होने वाला है? मुझे क्या पता। ठीक तो है ना? नहीं, गुड। किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। ओके। देखो, वहाँ किसी बड़ी मशीन ने हमारी शिप को खराब कर दिया है।
अरे उसने कोई छेद तो नहीं किया होगा? तुम ऊपर जाके देखो, जाओ जाओ जल्दी ऊपर जाओ। ठीक है जाता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी चलो। लारा शिप डैमेज हो गया है, शिप के अंदर कहीं पानी ना जाए, तुम देखो। तुरंत जाके विजिल्स को चेक करो। हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलो जल्दी। कैप्टन, विजिल खराब हो गया है। तो अब क्या होगा? हमारी बात नसीबी, शिप शायद पानी में डूब जाएगा। क्या कहा? वैसे यहाँ हो क्या रहा है? नहीं जानती, लेकिन कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, वही मैं पूछ रही हूँ, कौन सी मुसीबत है? मेरे यूएस एजुकेशन वेंचर से बात कर रही हूँ, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है ना? दोबारा बोलिए प्लीज, ये यूएस लेवल बेस है, वहाँ पर स्थिति कैसी है? हमारे पर किसी ने अटैक किया है, हम प्रॉब्लम में है और हमारी शिप डूब जाएगी। मैं आपको लोकेशन बताती हूँ। हेलो शिट, तुम्हें क्या हुआ? पैर में चोट लगी है मैडम, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। कैप्टन, लारा शिप की पोजीशन क्या है? हम पानी में डूब जाएंगे। हेल डेगलस पूरी कोशिश कर रहे हैं पर हल खराब हो गया है, हमें तुरंत ही कुछ और सोचना होगा। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की पर रेडियो काम नहीं कर रहा है। वेट, क्या हम डूब जाएंगे? अच्छा तो हम सब डूब जाएंगे। ऑलराइट, हम लोग डूबेंगे नहीं, पानी के ऊपर ही रहेंगे। बेवजह क्यों घबरा रहे हो तुम लोग, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वेट, मैं हल को ठीक करने की कोशिश करती हूँ पर टाइम लगेगा। करीब कितना टाइम लगेगा? वो कैसे भी हमें किसी किनारे तक पहुंचना होगा, करीब एक दिन भी लग सकता है। वहाँ सामने कुछ नजर आ रहा है, वो क्या है? वो कोई द्वीप हो सकता है। हो भी सकता है, हाँ बिल्कुल। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें काम करने में आसानी होगी ना? हमें कोई एंकर मिल जाए तो अच्छा है। ऑलराइट, हैन और साथियों को यहाँ रहकर शिप को रिपेयर करने के लिए बोलो, हम लोग वहाँ उतर के बाहर जाएंगे। ओके कैप्टन। इस सेमेस्टर के उपयोग के बारे में तुम लोगों को बताया था, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कड़ी मेहनत से ही हासिल होती है, और उसे साबित करने का अवसर तुम्हें मिला है। जमीन नजर आ रही है। वो कोई बिगड़ा हुआ द्वीप लगता है। कैप्टन, उस द्वीप के पास बहुत पानी है और वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। थोड़ी ही दूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिंगी का उपयोग करते हैं। मन को लेकर वहाँ जाता, तुम काम पूरा करो। ओके। आप जो कर रहे हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कम ऑन, बस ये एक सुनहरा मौका है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। हम ऐसे मौके के लिए नहीं आए हैं यहाँ। एक दिन हम वहाँ रुकेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे सबको आराम मिलेगा, ये समझो तुम। खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं वहाँ हम लोग, हमारे काम की कोई चीज ही मिल सकती है उस द्वीप में। इस बीच रिपेयर का काम भी हो जाएगा। स्क्रैप मटेरियल की जरूरत है, शायद उस द्वीप में मिल सकता है। समझ गई ना, पहले वाला जो ग्रुप है उसे बोट में लेकर आओ। ओके। चल रही हो ना? मैं नहीं चलूंगी। फर्स्ट ग्रुप, चलो निकलते हैं।
ये क्या है, इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर? ये तो कोई कुआं लग रहा मुझे। नहीं, लेकिन ये उससे भी बड़ा लग रहा है। शायद इससे पहले जो लोग आए उन्होंने इसे खोदा होगा। शुरुआत तो बहुत अजीब हुई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हे इतिन, यहाँ तुम्हें बहुत सी चीजें मिलेंगी। बेकार की बातें मत करो, जल्दी जल्दी चलो। ये क्या अपने आपको बहुत बड़ा लीडर समझता है? क्या कर रहा है हम सबको बताना चाहिए ना। वो नहीं बताएगा, हमें ही समझ लेना होगा। हमें चुपचाप इनके साथ चलना होगा। ठीक है, तो तुम लोग फॉलो करो। मैं एक बात कहूँ क्या? मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। यहाँ नरभक्षी भी हो सकते हैं। ओह कॉल, ये पागलों जैसी बातें मत करो। सच्चाई तो ये है कि नरभक्षियों को खत्म हुए सदियों बीत गई। ये बात तुम जान लो अच्छी तरह। नहीं, अभी तक जीवित होंगे मुझे लगता है। ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है। बोरिंग। कितना बड़ा है। वाओ, हे भगवान, एक और मुसीबत आ गई। ये तो वेल लग रही है, उससे भी बड़ा है। इसको देख के डर गई वो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, जहाँ हो वहीं रहो। वैसे उसको हुआ क्या है? उसको किसी ने आधा खा लिया मुझे लगता है। शार्क के झुंड ने इसके ऊपर हमला किया होगा। मुझे लगता है कि ये किसी जानवर का आहार होगा। जानवर का आहार क्या हो भी सकता है? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब लोग रिलैक्स हो जाओ, द्वीप में ये सब तो आम बात है। अब चलो हम लोग स्क्रैप मेटल को ढूंढते हैं। पॉल, आओ चलो। पानी में जाने के लिए डर रही हो? डरना कैसा, थोड़ी वेल्डिंग तो करनी है। वो एक ग्रेट टीचर ही नहीं, एक ग्रेट कैप्टन भी है। ऐसे सफर में तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। सच में तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। गुड लक मैडम। बिल पंप हमने ठीक किए हैं, देखना होगा कि वो काम करे या नहीं। चलो मेरे साथ। चलो ठीक है, आता हूँ। है कि नहीं देखो? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ जा रहा हूँ, उस तरफ जाके देखो। ओके। ओ, अब फिर क्या हुआ? मैं क्या जानूं? अरे कुछ भी नहीं है।
कैसे जगह है, कितना अजीब सा जगह है ये तो। यहाँ घर भी है, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। इससे अच्छा तो वही। हेलो, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने। यहाँ के लोग कहाँ गायब हो गए? मछुआरे हो सकते हैं, यहाँ कभी कभी डेरा डालने आते होंगे। आप ठीक कह रहे हैं, ये बाथरूम होगा शायद। हे मेट, इसे देखो, ये सब कुछ दीवार पे चिपकाया हुआ है। लिंसी, अब तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे कोई नरभक्ष लोग नहीं है। क्या कहा, नरभक्षी? वो मैं मजाक कर रहा था इनको डराने के लिए। ऐसी उल्टी सीधी बातों से डराओ मत। ये क्या अजीब सा है यहाँ पर, ये क्या है? कोई गोल चक्र लग रहा है मुझे। मेरे ख्याल से पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल करते होंगे। इसका इस्तेमाल नाव चलाने के लिए भी किया होगा। आजकल के जमाने में ये सब बदल गया होगा ना। क्या कहानी बनाई तुमने। देखा, लेंसी मुझे नहीं काट रहा है। All right, students, जल्दी आओ, सब लोग एक साथ रहना होगा। हमारा मुख्य लक्ष्य है स्क्रैप मेटल को ढूंढना, और ऐसी कोई चीज मिली तो उसे छोड़ना मत। जेफ, चलो हम चलते हैं। तुम्हें इन लोगों से दूर जाने का मन नहीं कर रहा था क्या? जाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें। मैं तो स्विमिंग करने की सोच रहा हूँ। पानी में जाने से खतरा हो सकता है, वो कह रहे थे ना। खतरा? खतरा सब बकवास बात है। ठीक है, चलो हम लोग उस तरफ बीच से चलते हैं। वैसे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा ही है। मुझे नहीं लग रहा ऐसा। देखो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अकेले में स्विमिंग करने का मजा और है। क्या, कैसी बातें कर रहे हो? मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। चलो आओ बीच से चलते हैं। अब हम यहाँ ढूंढते हैं। उन्होंने जो कहा था वो याद है ना, स्क्रैप मेटल। वैसे आप कहाँ के रहने वाली हो? कोई बॉयफ्रेंड है आपका? अभी तक तो नहीं है। पानी देखो कितना अच्छा है, तैरने का मन नहीं कर रहा? नहीं, वैसे तुम बेकार प्रश्न करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? मैंने वैसे ही बोल दिया था, आई एम सॉरी। पानी में उतरना मुझे पसंद नहीं है। बचपन से ही मुझे पानी से बहुत डर लगता है। कितने दिनों से? क्या है कि जब मैं 12 साल की थी तब मैं बीच गई थी, वहाँ पे मेरे साथ एक हादसा हो गया था। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ गई थी, वहाँ पे बहुत हंगामा मचा हुआ था। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत की और पानी में उतरी भी। बहुत लहरें आ रही थी, कुछ लहरें मेरे ऊपर भी आई। बहुत मजा आ रहा था, मैं पानी में आगे बढ़ती जा रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। अचानक मैंने वहाँ पे एक ब्लू शार्क को देखा और वो मेरे चारों तरफ घूमने लगा और वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा, और बस इतने में मैं डर गई और वापस आ गई। तब से मुझे पानी से बहुत डर लगता है। खुशकिस्मत हो तुम, इसे खुशकिस्मत समझ सकती हो, लेकिन मैं तब से पानी में नहीं उतरी। तो फिर आपने समुद्र यात्रा के सेमेस्टर के लिए हाँ क्यों कही? बस यूं ही, सबके साथ बाहर आके एंजॉय करने के लिए। बस घूमने आई हो? हाँ, बस घूमना ही समझो। और ऊपर से डरना छोड़ दूंगी, क्योंकि समंदर में सफर जो कर रही हूँ, पुराने बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छी बात है, पहला कदम अच्छा बढ़ाया है। यानी पहले हम इस द्वीप से शुरू करते हैं, शार्क को भूल जाते हैं। वो इस वक्त नहीं।
तुम बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं हो। मैं कह रहा था ना, देखो नजारा कैसा है। बहुत अद्भुत जगह है ये। मैं तुमसे कह रहा था ना, अब देखो कितना मजा आ रहा है। ओह कितना सुंदर है। इससे पहले ऐसा नजारा मैंने नहीं देखा। समुद्र भी कितना शांत है। समुद्री शांत नहीं है, हम ही शांति से बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम में से कौन पहले मेरे साथ आएगा, चलो डिसाइड करो। बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला। हम बस थोड़ी दूर ही जा सके। चलो हम सब लोग उस तरफ जाकर ढूंढते हैं। आओ चलो चलो गाइस। चलो ओके चलो चलते हैं। ओके चलो। तुम यहाँ पहले आए हो क्या? भूल गई, दोनों साथ ही तो आए थे। तुमसे पूछकर गलती हो गई। चलो कम ऑन गाइस, प्रकृति के साथ मिलकर आनंद लेने के लिए अच्छा अवसर है। वैसे भी पूरा दिन हम लोगों को यहीं गुजारना है, इसलिए प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में? तुम भी जरा उधर देखो। ये सब क्या है? सुनो दोस्तों, देखो जरा ये बोट काम करेगी क्या? ओ, उसका पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है, चलो कम ऑन। मैं अकेली जाके देखती हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। संभल के उतरना, हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ये बोट काम करेगी। पकड़ो इसे। कॉल, आगे पीछे देखते नहीं हो? कॉल, डोंट वरी सर, इसका इस्तेमाल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप बिल्कुल मत डरिए। लाओ मुझे दो, तुम मेरे साथ चलो। इसको देखने से लगता है कि इसको बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है। फिर तो हमारे काम नहीं आएगी, क्या करें अब? मैंने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं करेगा, फिर भी मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। मेरे ख्याल से ये ठीक भी हो गया तो हम सबका बोझ नहीं उठा पाएगा। अगर ये बोट ठीक हो गई तो हमारे काम आ सकती है ना? वो तो मैं समझ रही हूँ, अगर कोई मेरी मदद करेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। ये केबल जरा वीक लग रहा है मुझे। ए पॉल, तुम एक मैकेनिक हो ना, इसको स्टार्ट करने में मेरी मदद करो ना। ओह श्योर, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। ठीक है तो आओ मेरे साथ।
चलो कुछ करते हैं। वहाँ क्या हो रहा है हमें भी बताइए ना प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? मेरा पैर। अरे क्या हुआ? मेरा पैर, मुझे चोट लगी है। प्रोफेसर क्या हुआ? प्रोफेसर क्या हुआ? इन्हें बहुत चोट लगी है। फर्स्ट एड किट कहाँ है ढूंढो। क्या हुआ इसे? गाइस सब लोग आओ, इनको उठाने में मदद करो। जल्दी करो, खून बहुत बह रहा है। जल्दी बांधो। तुरंत हमें इनके पैर पर दवाई लगाने का इंतजाम करना पड़ेगा। उठाओ, चोट लगी। उठाओ, सब लोग मिलके इन्हें उठाओ। इनको उठाने में मदद करो। हाँ ठीक है, हाँ पकड़ो इसे। संभल के इन्हें उठाओ। चलो आराम से। हर बात में हंगामा कर रही हो। मुझे समझा रही हो? इतना समझा रही हूँ, समझती क्यों नहीं? मैनेस नहीं है। तुम्हें मैनेस नहीं है? मेरी बात सुनो, वो बहुत डरपोक है इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन तुम्हारा मारना ठीक नहीं है। हाँ रहने दो, हम भी बोट के पास चलते हैं। चलो। बस हम बोट के पास पहुँच ही गए सर। आराम से बैठ जाइए इसमें। हाँ जल्दी। लारा को गए बहुत देर हो गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हाँ क्या हुआ होगा? कैप्टन को चोट लगी है, हेल्प की जरूरत है। मैडम कैप्टन को चोट लगी है, खून बहुत नजर आ रहा है, अच्छी तरह देखो। हाँ खूनी है, हेल्प कीजिए। लारा खींचो, ऊपर खींचो। लारा कैप्टन के पैर में गहरी चोट लगी है। लारा नजर नहीं आ रही है। सच कह रहे हो? क्या हुआ उसे? द्वीप में भूकंप आने से नीचे गिर गए। द्वीप में भूकंप आया है? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने कुछ देखा नहीं क्या? नहीं तो चलो ठीक है, पहले उन्हें ऊपर लेकर आओ। संभल के कैप्टन, चलिए। वहाँ जाना ठीक नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। तुम्हें पता है ना मैं किसी की बात नहीं सुनता। हे भगवान, इस वक्त मैं दवाई लगा देती हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम्हें क्लिनिक जाना ही पड़ेगा। लारा कहाँ की नजर नहीं आ रही है? लारा मर गई है, नीचे से खून आ रहा है। फिर भी मैं देख के आता हूँ, मैं ढूंढ के आता हूँ। तुम दोनों द्वीप वापस चले जाओ, शिप का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सुनो वहाँ कुछ हो रहा है, मुझे शक हो रहा है। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? लगता है कि यहाँ बड़ी मछली घूम रही है आसपास। उधर देखो वहाँ कुछ है, क्या हो सकता है? पास जाके देखें। हाँ हाँ वहाँ चलो, पता लगाएंगे आखिर है क्या चीज। इंजन बंद कर दूँ ना? हाँ बंद कर दो।
क्या है, क्या हो सकता है ये? उसको ऊपर उठाओ, ध्यान से गिर जाओगे। क्या करने की सोच रही हो? अरे तुम फिर आ गए, वैसे तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम दिमाग लगा के करो, उल्टा सीधा सोचे बिना। अरे ठीक है बहुत हो गया, हमें किसी तरह इस बोट को चलाना चाहिए और उसके लिए गैस चाहिए। अभी अभी हमें एक गैस का कैन मिला है। हमेशा जोक क्यों करते हो? जोक नहीं है गैस, उसे लेके आओ। ओ कूल, मैं तुम्हें जितना निकम्मा समझ रही थी उतने नहीं हो तुम। कई बार मैं बहुत विचित्र काम करता हूँ। उसमें गैस है कि नहीं पता करो। हाँ मैंने सूंघ के देखा है। ओह तो फिर देर किस बात की, उसे लेकर आओ। लेकर आओ दोस्त, आओ चले। या बहुत भारी है, उठाना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग है, काम कर लेते हो। जब से हम लोग इस द्वीप में आए हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ इस द्वीप में बस जाऊँ। इसे कैसे स्टार्ट करते हैं जानते हो? मैं जानती हूँ। थैंक्स। मैं दिखाऊँ क्या करके? मुझे नहीं लगता तुम कर सकते हो। तुम मेरे बारे में बहुत उल्टा सोच रही हो, और तुम चुपचाप बैठ जाओ। मेरे मसल्स देखे हैं, एक स्ट्रोक में चालू करता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो स्टार्ट हो गया। आखिर तुम्हारी मेहनत काम आई। आओ। अब हम लोग निकल रहे हैं। हे, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। अचानक इनको क्या हो गया? ठीक है जाओ। कितने सेल्फिश हैं ये लोग। उनका इस तरह जाना उनके लिए ठीक नहीं है। मैं जाके रस्सी खोल के आती हूँ। हम भी जाएंगे, देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है जल्दी चलो फिर। जल्दी चलो। हाँ। तुम भी आओगी क्या? नहीं मैं नहीं आ रही। ऑल राइट चलो चलो, तुम निकालो बोट को। जल्दी चलो, तेज चलाओ। देखो द्वीप में पानी आ गया। हमारे लोगों को पता नहीं क्या हुआ होगा। कोल वहां देखो। वो लोग भी हमें कंपनी देने के लिए आ रहे हैं। ये रेस मजेदार होनी चाहिए, हमें उन्हें हराना होगा। बिल्कुल।
सब लोग वहाँ देखो क्या हो रहा है। ये अब मौत का समुद्र हो गया है, यहाँ मत आओ। अब हमें वो लोग मस्ती दिखाएंगे। हाँ, वो लोग वहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ए स्वीट हार्ट, मुझे छोड़ कर रहे नहीं भाई ना, तुम मेरे पीछे आ गई मुझसे मुकाबला करने के लिए। तुम कुछ भी सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी, पहले सीकिंग जो पहुंचेगा समझ लो मुकाबला वो जीते। जीतने पर क्या मिलेगा? जल्दी क्या है, उसके बारे में हम आराम से बात कर सकते हैं। हाँ, तैयार हो जाओ, रेस तो मैं ही जीतूंगी। अब मुकाबला किस लिए? तुम फिक्र मत करो, लक मेरे साथ है। तुम्हारा लक है या मेरा, मैं भी देखता हूँ। अब क्या होने वाला है? पता नहीं मुझे, मैं क्या जानू। ओके, अब मैं तीन तक गिनूंगा। 1 वो पीछे रह गए, वापस चले जाओ, गो। यहाँ खतरा है, सुनते क्यों नहीं? उनसे तो आगे हम ही हैं। हम लोग वहाँ पहुँच के उनसे जीत दिखाएंगे। उनका इस तरह जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। हम तुमसे आगे निकल गए, देखा? वाओ 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 वाओ, रेस हम ही जीतेंगे। जल्दी आगे निकल जाओ, चलो जल्दी निकलो। इस तरह नहीं चलेगा, इनको वार्निंग देनी ही पड़ेगी। शार्क है, संभल के। आनी, जल्दी आओ। आ रही हूँ। उन्होंने फायर क्यों किया? इसका मतलब है कि कोई मुसीबत आने वाली है। अब आगे बढ़ो। तुम अपने आप को स्विमिंग चैंपियन समझते हो? फूल, बचाओ मुझे, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। वो इतना घबरा क्यों रहा है? वो तो सब जेलीफिश है। किसी तरह से निकल के आ जाओ। जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ। क्या तुम इंजन बंद कर रहे हो? हाँ। वो अभी भी उनका पीछा क्यों कर रहा है? उसके दो सर हैं। क्या कहा, दो सर वाला? जेनेटिक कारणों से ऐसा हो जाता है।
ऐसा बहुत कम ही होता है। दो सर वाले सांप के बारे में तो सुना ही होगा, गाय बछड़े, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते। दो सर वाला है तो दांत भी ज्यादा होंगे ना? हाँ ज्यादा होते हैं। तो क्या हुआ, वो इस तरह उसका पीछा क्यों कर रहा है? क्योंकि उस बोट का मोटर बड़ा है इसलिए ना? उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि उस मोटर का साउंड ज्यादा आ रहा है इसलिए उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसकी आवाज उसको परेशान कर रही है, उससे वो बहुत इरिटेट हो रहा है इसलिए। उससे क्या होगा? क्योंकि उसको ये आवाज पसंद नहीं आती। मुझे माफ करना, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई तो उसे बचाओ। ओह माय गॉड, अरे कोई उनको बचाओ। कोई तो मदद करो उसकी। जल्दी आओ। ओह गॉड, हम उसको चढ़ा लेते हैं। क्या कहा? क्या बोल रहे हो? तैयार हो जाओ तुम दोनों। Oh my God! जल्दी आ जाओ। जल्दी बाहर आ जाओ। वो कहाँ गया? मैंने नहीं देखा। मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अब कहाँ जाएं? निकालो, सब लोग मुसीबत में हैं। कॉल, रुक जाओ। कॉल, कॉल, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। जल्दी चलाओ, वो पीछे आ रहा है, मुझे खा लेगा। जल्दी चलाओ। वो आ रहा है पीछे। जल्दी चलाओ। सुनो, वो हमारा पीछा कर रहा है। और तेज करो। हम किनारे पे पहुंच रहे, वो हम पे हमला नहीं कर सकता। डरपोक कहीं के, उनको इस तरफ मौत के हवाले करके आ गए। केट, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? केट रुको, मेरी बात सुनो। अरे एक मिनट रुक तो जाओ। केट मेरी बात मानो, रुक जाओ। अरे सुनो तो सही मेरी बात। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया उसके जैसे। तुमने उसको इतना मारा फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। पहले हमें ये सोचना है कि कैसे बचें। आपने सब कुछ देखा ना, उससे सब नफरत करते हैं। आप भी सब कुछ भूल जाइए। उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। संभल, चलिए जल्दी, चलिए चलिए, कम ऑन, चलिए चलिए चलिए, संभल के जाना। सीकिंग से जब तक प्रोफेसर नहीं आ जाते हम इंतजार करना। ये देखो प्रोफेसर साहब भी आ गए। हमारे काफी दोस्त मर गए हैं, हमारा बचना मुश्किल से लग रहा है। अब हम क्या करें? क्या करें हम? अब हम क्या करें? आप ही कुछ बताइए प्रोफेसर साहब। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्यों आए हो यहाँ? देखा आपने क्या हुआ? मैंने सब देखा। तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और तुम लोगों को बचाना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम सब लोगों ने देखा क्या?
डॉक्टर एनी, आपने माइक और एन को देखा क्या? नहीं, हम उन्हें नहीं बचा पाए। और लारा भी। रिमी, रैन और एलेक्स को भी, टोटल 6 लोग मारे गए हैं कॉल। और कितने लोग मिस हो गए हैं देख लो। किरिक का क्या हुआ? आसलीन भी नहीं है। और हेली? हेली भी मर गई क्या? मतलब लारा मर गई है, इसका मतलब शिप में जाना मुश्किल है। ओ गॉड लिंडसी, आप ही से पूछ रहे हैं। फिलहाल बिल जैसी काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक हल रिपेयर पूरा नहीं हुआ है। और फिर पानी में उतर के रिपेयर करना सुसाइड के समान है। कम से कम रेडियो तो काम कर रहा है ना? एंटीना भी खराब हो गया है। ग्रेट, इसका मतलब हम पूरी तरह फंस गए। यहाँ से बच निकलना मुश्किल है ना? हमारी परिस्थिति को उन तक पहुँचाने का एक और तरीका है। अच्छा, क्या है वो तरीका? इमरजेंसी ट्रांसपोंडर के जरिए हम उन्हें खबर पहुंचा सकते हैं। अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो उससे अधिकारियों को सिग्नल मिलेगा। तो एक्टिवेट कीजिए तुरंत, आप देर किस बात के लिए कर रहे हैं? एक्टिवेट करने के लिए शिप का बर्बाद होना जरूरी है। बर्बाद करना? डुबोना होगा। ओके ग्रेट, डुबो दो, जल्दी डुबो दो। नो, नहीं, अगर उसे डुबो दिया तो हमारे पास जो छोटी बोट से उसके द्वारा जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2-3 बार चक्कर लगाने होंगे। नो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो शार्क किसी भी हालत में हम पे अटैक करेगा। पानी में उसकी शक्ति ज्यादा होती है, तब हम बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। मुझे लगता है वो फिर से आ गया। अब सब लोग सावधान हो जाओ। अब ये दूसरी बार भूकंप आया है। बहुत अच्छा, तुम्हें ये भूकंप लग रहा है क्या? ये मुझे कोई भूकंप नहीं लग रहा। तो फिर ये क्या है? ये द्वीप पूरा का पूरा पानी में मिल जाएगा। हाँ, यही हो सकता है। मुझे लगता है ये उस तरफ से ही आ रहे हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वैसे द्वीप जो होते हैं वो समुद्री तट से थोड़ा ऊपर ही होते हैं। हो सकता है यहाँ की जमीन कमजोर हो और पानी कभी भी आ सकता है। प्रोफेसर साहब, आपकी बातों से ये लगता है कि ये द्वीप किसी भी वक्त डूब सकता है और समुद्र का पानी अंदर आ सकता है। भगवान, तुम भी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ ना कुछ करो ना भगवान। अगर शिप को ही डुबो देना है तो रिपेयर क्यों नहीं कर देते उसे? मैं पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको नष्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा। अब हम लोग क्या करें, तुम ही बताओ। मैं उस बोट में किसी भी हालत में नहीं चढ़ूंगी। सुनो, वहाँ क्या हुआ तुमने देखा ना? उस शार्क को हमारे और उसके बोट का अंतर अच्छी तरह मालूम है। वो एक ही बोट के पीछे पड़ा हुआ था। उसका कारण है जनरेटर मैग्नेटिक से आई आवाज। वो उस शार्क को बहुत इरिटेट कर रहा था। तुम लोगों के पास और कोई प्लान है क्या? मेरी बात सुनिए, जो बिजली से आवाज उत्पन्न होती है उससे वो आकर्षित होता है। ऐसा करने से वो हमारी जाल में फंस जाएगा और उतने टाइम में हम अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन उसको कैसे तैयार करेंगे हम लोग? वो रहा उससे, कोई जनरेटर फिक्स कर सकता है क्या? मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन किस लिए? ओके, अगर हम लोगों ने जनरेटर फिक्स कर दिया तो उसके मेन खम्भे को हम पानी में लगा सकते हैं। उसके द्वारा जो करंट आएगा उसको देखकर वो शार्क हमारे तरफ नहीं आएगा। ऐसा करने से हम बच सकते हैं। मुझे लगता है इसकी बात में दम है। इस वक्त बोट रिपेयर करने वाले चाहिए। तुम इसे किसी को वेल्डिंग करना आता है? मुझे नहीं आता। मुझे आता है। सची? तुम करोगी? हाँ, मेरे डैडी वेल्डर थे और उनके साथ रहकर मैंने भी सीखा है। इसकी अनुमति मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ये अनुमति की बात नहीं है, मैं खुद ही करना चाहती हूँ। इस सीकिंग का कैप्टन मैं हूँ और यहाँ जो भी फैसला होगा मैं ही करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए उस काम को मैं ही करूँगा। नो नो नो, आपको पहले ही चोट लगी है। अगर आपका खून पानी में मिल गया तो शार्क को आकर्षित करेगा। आप अकेले ये काम करने के काबिल नहीं है। हैंडे के लोगों को भी आपके साथ आना होगा, नहीं आ पाएगी। क्या तुम ये अकेली कर सकती हो? तुम्हें अपने आप पे पूरा भरोसा है? मैं पूरी कोशिश करूंगी। बिलियस के बारे में चिंता मत करो, वो सब ठीक है। कितनी देर में निकलना होगा? इसी वक्त। सब कुछ तैयार है ना? ऑल राइट, हमने जो बिजली की तार से सब कुछ तैयार किया है उसे पानी में उतारना होगा। इस काम में ये मदद करेंगे पॉल। ठीक है, अब हम वो दोनों पोल्स को सीधी तरह खड़ा करेंगे। उसके बाद इन केबल को खींच कर उन पोल के साथ बांध देंगे। ओके, तभी वो काम करेंगे। इन जनरेटर के केबल्स को किसी और के साथ बांधेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं?
ओके, वैसे हमारे पास कम केबल बचा है। ओके, यहाँ थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, बाकी वहाँ इस्तेमाल करेंगे। संभल के, जब शार्क नजर आएगा मैं सिग्नल दूंगा, तुम लोग बाहर आ जाना। वो बेजुबान जानवर है, उसे क्यों मार रहे हो? मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कोई और चारा नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ स्वीटहार्ट। इस तरह मत बुलाया करो मुझे। यहाँ सब कुछ तैयार है, ये स्टार्ट हो गया। ऑलराइट। हाँ, अब ये काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो गया है, इसका परिणाम थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। वो देखो वो आ रहा है, वो देखो। वो बहुत बड़ा है। ये काम कर रहा है, उसको देखकर आकर्षित होकर वो शार्क जरूर यहाँ पर आएगा। केट का काम आसान हो जाएगा। एक केट, तुम नीचे काम करो, मैं ऊपर से देखता हूँ परिस्थिति क्या है। वो कंफ्यूज हो रहा है, उसे यहीं आना चाहिए, उम्मीद करती हूँ। ये लो, पानी में जाने से पहले इसे पहनो। इससे पहले तुमने पानी में जाके वेल्डिंग किया है क्या? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें स्कूबा डाइविंग आता है क्या? नहीं आता। हे, तुम ये काम पूरा करोगी, तुम्हें भरोसा है? सुनो कॉल, ज्यादा प्रश्न मत करो मुझसे, उसका जवाब देना बहुत मुश्किल है इस वक्त। तुम बस होशियार रहो, काम होते ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगी। बहुत नजदीक आ रहा है। फिर वापस जा रहा है। उस विद्युत से वो आकर्षित हो रहा है। चलो भागो, जल्दी भागो, चलो भागो, भागो। Thank you.
पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना होगा मुझे। मैं बिल्कुल पीछे नहीं देखूंगा। क्या हुआ, तुम अकेले वापस आई? कार शिप को लेके चला गया। बड़े सेल्फिश निकला, देखना वो मरेगा। तुमने हल को रिपेयर किया? हाँ कर दिया। मैं डूब रहा हूं, दो सर वाला शार्क मुझे अटैक कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, आगे क्या करना है ये सोचो। इसके बाद भी यहाँ रुकना खतरा है। अगर हमें यहाँ से बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे? वो मोटर बोट है ना, हमको वहाँ ड्रॉप करके कोई वापस आ सकता है। हमारी मंजिल तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, बोट में इतनी गैस भी नहीं है। वो सही कह रही है, यहाँ रहना खतरा है, ये द्वीप तो डूबने वाला है। कम से कम उस मोटर बोट का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसका उपयोग करना मुश्किल है, उसकी आवाज़ सुनकर शार्क पीछे पड़ जाएगा तो और मुसीबत आ जाएगी। जब तक मदद नहीं मिलती हमें यहीं रहना होगा। अगर ये द्वीप डूब गया तो क्या करेंगे? इसलिए कहती हूँ बचने का उपाय सोचिए। किसी ने कोई प्लान बनाया है तो हमें भी बताइए ना। क्या करना है मेरी समझ में नहीं आ रहा।
सेफ प्लेस चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी चलो। अच्छा हुआ हम लोग बच के यहाँ आ गए। हाँ ठीक कहा, वो यहाँ नहीं पहुँचेगा। हाँ बिल्कुल। जल्दी जल्दी चलो जल्दी, आप लोग निकल जाओ, आप जाओ, जाओ, आप जाओ, आने दो। चलो चलो हम लोग निकलते हैं। माफ करो, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आगे नहीं जा सकता। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वहाँ देखो कोई कमरा लगता है, चलो वहाँ। चलो यहाँ चलते हैं। आओ आओ जल्दी 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 चलो यहाँ से, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो यहाँ से निकलते हैं। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ, चलो चलो कमरे के अंदर चलते, चलो आ जाओ, चलो अंदर चलो, जल्दी करो, जाओ सब अंदर जाओ, जल्दी जल्दी चलो चलो अंदर चलो, दरवाजा बंद कर दो जल्दी। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें भी पानी भर गया है। चिल्लाओ मत, मुझे सोचने दो, कुछ हमें कुछ ना कुछ करना होगा, यहाँ से बच निकलना होगा। यहाँ रहना खतरा है, कहाँ तक भागेंगे इस तरह, वो बिल्कुल ही बाहर ही होगा। चिल्लाओ मत, वो आ गया है, नजदीक आ गया है। Thank you.
सर। आ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। ये ले। बच नहीं सकते, अब क्या करें? हमें कोशिश जारी रखनी है। वो क्या है? मुझे वो गैस बैरल लगता है। मैं जाके देखती हूँ। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, उससे बचना मुश्किल है। उसे हमें किसी हालत में मारना ही होगा। इसे तुम ब्लास्ट कर सकते हो? वो इम्पॉसिबल है, उसके लिए आग की जरूरत पड़ेगी। ये चलेगा? ओके, ठीक है, इसे काम चलेगा, लेकिन उसके लिए हमें फ्यूज की जरूरत पड़ेगी। उसके आने से पहले हमें कहीं से भी उसे लाना होगा, और उसके बगैर ये नामुमकिन है, क्योंकि उसके साथ हमें फाइट करनी होगी। या तुम वैसे करना क्या चाहते हो? ये बिल्कुल काम करेगा। तुम्हारी शर्त तो क्या कहा? मैंने कहा पहले शर्त दो, जल्दी। इसे हमें फ्यूज की तरह इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एक बात है, उसके नजदीक जाके वो ब्लास्ट करना होगा। ओके, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन जरा सोचो तो, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, वो जरूर हमारे पीछे आएगा। तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके पास जाके कैसे ब्लास्ट करेंगे? हम तो वैसे भी मुसीबत में हैं। अगर हम हिम्मत दिखाएं तो उस पर अटैक करके हम बच सकते हैं। शार्क पे अटैक करेंगे? फिक्र मत करो, मैं करूंगी। नहीं, मैं करूंगी। तुम? केट, तुमने तो कहा था कि तुम्हें पानी से बहुत डर लगता है, और तुम कोई ना कोई गलती कर दोगी और वो तुम्हें मार देगा। पहले था, अब डर नहीं है। मुझ में डर चला गया है और हिम्मत आ गई है। वैसे जब हमारा बचना ही नामुमकिन लगता है, तो मैंने लड़ने का फैसला कर लिया है। डर डर के और कितने दिन जिएंगे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। पूरी तरह भीग गया, जलना इसका मुश्किल है। किसी भी तरह इसे जलाना होगा, तब ये ब्लास्ट होगा। राइट, एक बार अगर ये जल जाएगा तो पूरी तरह गर्म हो जाएगा, उसके बाद किसी को भी ये ब्लास्ट करना आसान हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी शक्ति काफी होगी उसके लिए। शार्क के अगर नजदीक ले गए तो काम बन गया, समझो। परफेक्ट। के, तुम्हें कोई शक तो नहीं है? मैं डर नाम की चीज को भूल गई हूँ। उसको जलने के लिए कितनी देर लगेगी? करीब करीब 30 सेकंड, कम भी हो सकते हैं। ऑल राइट, जब मैं कहूंगी उसको जला देना, और उसके बाद उसको ठीक जगह पे फेंकना। Oh!
आग जलाओ, जल्दी चलाओ। कोशिश तो कर रही हूँ। जल्दी चलाओ, चलो जल्दी चलाओ। कौन ये जल क्यों नहीं रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो। कोशिश कर रही हूँ। जल्दी जला के फेंको इस तरफ। ये नहीं जल रहा है, वो मेरे नजदीक आ रहा है। कमॉन, वो नजदीक आ गया, जलाओ इसे। एक बार जल जाए तो। घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। कमॉन, प्लीज जल जा। ये किसी भी तरह नहीं जल रहा है। तो वापिस आ जाओ केट, मेरी बात सुनो, वापिस आ जाओ। तो वापिस आ जाओ, मैं इसे देख लूंगी। सर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घबराओ मत, घबराओ मत, तुम मेरी बात नहीं। पता नहीं क्या करने वाली है। ओह नो, ये तुमने क्या किया? छोड़ो उसे। वो तो फंस गया उसके जंगल में। ओह माय गॉड, उसने कर दिखाया। अब हम क्या करें? वो अभी तक मरा नहीं है। चलो। उससे बचना बहुत मुश्किल है। वो देखो, बोट वहां पर है। ये बिल्कुल ठीक है, इसे ड्राइव कर सकते हैं। नहीं। क्या कहा? तुम क्या करने वाली हो? मैं इंजन स्टार्ट कर रही हूँ और उसकी आवाज से शार्क डर जाएगा। वो ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम इसको किसी और के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैसे तुम करना क्या चाहती हो? आखिरी कोशिश कर रही हूँ। मर गया। हमने कर दिखाया। हम जीत गए। हमने कर दिखाया। हम जीत गए। वो शार्क मर गया। अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। Thank you.
surprise. I don't know how to change.